तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब बारिश हो जाए तो रेनकोट बन जाते हैं, धूप में जाए तो छाता बन जाते हैं, आंसू आ जाए तो रुमाल बन जाते हैं, और अगर सर्दी लग जाए तो काढ़ा। मेरा मेरे पापा के साथ भी रिलेशन कुछ ऐसे है। तो मेरे पापा कैसे कहकर नहीं करके प्यार जताते हैं ये मैंने लिखा है। मम्मी कहती है कि जब तू पैदा हुई थी ना, द ओनली पर्सन हुज हैप्पीनेस कांट बी मेजर्ड वाज योर फादर। मैं तब एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, बच्ची थी ना, थोड़ा लेट समझ आ रहा जब एक अच्छी अकल पक्की हुई। याद है मुझे वो दिन जब मैं पहली बार क्लास में फर्स्ट आई थी, पापा ने ये बात फोन घुमाकर हर जगह बताई थी। खुशी इतनी होगी मुझे अंदाजा नहीं था, पर पापा की खुशी की वजह बनना अब मेरा इरादा ही था। वो बिना वक्त देखे 15 घंटे अपनी कमर कसते हैं, मुझे कोई तकलीफ ना हो इसलिए रात को बस एक बार डिस्टर्ब तो नहीं किया कहकर मेरा हाल चाल पूछते हैं। पापा है ना, कहते कुछ नहीं सिर्फ फिक्र करते हैं। वो रोज सुबह उठकर मुझे गले लगाकर सर प्यार से सहलाते हैं। आज भी मेरी जरूरत की कोई चीज अगर चाहिए हो तो 4 कमीज कम सिलवाते हैं। आखिर पापा है ना, कहते कुछ नहीं सिर्फ फिक्र करते हैं। आज भी मेरे एफर्ट्स अगर फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा कहकर मेरा आत्मविश्वास जगाते हैं। जब मैं हिम्मत हार जाऊं तो तू कर लेगी कहकर मेरा हौसला बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता, पर पापा है ना, दिखाते नहीं सिर्फ दुआ करते हैं। मुझे ज्यादा देर तक बाहर ना भेजना ऐसा नहीं कि उनका इरादा गलत है, वो क्या है ना, दुनिया की नजरों पर उन्हें भरोसा करना। बहुत अच्छा। फिर भी इट्स माई राइट टू टेक डिसीजन, ओके आई एम एन अडल्ट कहकर अपनी बात मनवा लेती हूँ। वो भी तड़ी में फोन करके, पहुंची या नहीं पहुंची, तेरे अकाउंट में ना बैंक बैलेंस भिजवा दिया, इस्तेमाल कर लियो कहकर फोन रख देते हैं। आखिर पापा है ना, कहते कुछ नहीं सिर्फ फिक्र करते हैं। चोट भले ही दोनों को लगी हो, फिर भी अपना दर्द बुलाकर, क्या हुआ तो ठीक है ना, दवाई भेजू क्या, दर्द कम हुआ क्या, जैसे सवालों से मेरी कॉल लॉग्स भर देते हैं। आखिर पापा है ना, थकते नहीं सिर्फ प्यार करते हैं। थैंक यू।